हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिंपल टेक व्लॉग। सो आज हम सिंपल वन स्कूटर की रेंज टेस्ट करने वाले हैं, वो भी सोलो। देख सकते हो गाड़ी जो है 100% चार्ज हो चुका है और हमने चार्जर निकाल के चेक किया। एंड गाइस, मैं एक चीज़ बता दूँ, इस स्कूटर में जो 100% है पूरा नहीं होता है, निकालते ही 99 हो जाता है और रेंज जो है 190 है। हम दूसरे मोड्स में भी चेक करेंगे। पहले मैं ट्रिप पे जो है रीसेट कर लेता हूँ। सो रीसेट करने के बाद जो रेंज है देख लेते हैं। सो राइड में 135 और डैश में 110 और सोनिक में 90 किलोमीटर। तो गाड़ी को जो है पूरा इको मोड में ही भगाऊंगा क्योंकि हमें इसका रेंज टेस्ट करना है। सो गाइज, हम राइड स्टार्ट कर चुके हैं और गाड़ी जो है पूरा 100% चार्ज करके लाया हूँ और इको मोड में ही पूरा चलाएंगे। और अब जा रहे हैं सीधा नंदी हिल। सो आज भी थोड़ा सा लेट हो गए, लेट से उठे तो थोड़ा जल्दी जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी जो है पूरा अभी मैं ऑलमोस्ट इको में मतलब 55 के स्पीड में ही चलाऊंगा। और हमारे साथ एक आतर भी है तो उनको चार्ज करना पड़ेगा, इसके लिए नंदी हिल जाना पड़ेगा। तो नंदी हिल जो है हम चढ़ने तो नहीं वाले हैं, लेकिन वहाँ से हमको चार्ज करके जो हमारा डेस्टिनेशन है घाटी, घाटी सुब्रमण्या, वहाँ पर जा रहा है। तो मेरे घर से घाटी सुब्रमण्या जो है 60 किलोमीटर है और हमें नंदी हिल जाके जाना पड़ेगा। सो मैं वो पूरा कैलकुलेट नहीं किया, कहीं रुक के मैं कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत लेट हो गया हूँगा। वो एक्चुअली राइड और इको दोनों यूज़ करने वाले हैं क्योंकि उनका चार्जिंग स्टेशन है, तो वो कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारा चार्जिंग स्टेशन नहीं है और मैंने चार्जर भी रख लिया है। सो अब स्पीडोमीटर देख सकते हो, आयतर और इसका दोनों बराबर है, कहीं पर भी एरर नहीं है। लेकिन गाइस, जो मैंने जब चेक किया था जीपीएस और स्पीडोमीटर का, तब 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस था। वो जो है कंपनियां जानबूझ के ऐसे करती है, सिर्फ इस गाड़ी में नहीं, किसी भी गाड़ी में ले लो आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। एंड गाइस, मेरे स्कूटर में जो टॉप स्पीड है इको में 57 कुछ है और वो हमारे साथ जो आयतर आ रहा है उसका शायद 45 है क्योंकि वो फर्स्ट जन है। सेम ही था। सो गाइस, हम यलांका एयरफोर्स के पास पहुंच चुके हैं और हमारा बैटरी जो है 85% है और 160 किलोमीटर का रेंज कर रहा है। जो रेंज ड्रॉप हुआ है वो 30 किलोमीटर्स का और हमने कवर किया 26 किलोमीटर समझ लो। अतर में भी 30 किलोमीटर का रेंज जो है ड्रॉप हुआ है। जब चार्ज पूरा था तब 73 कुछ दिखा रहा था, तो अभी 45 कुछ दिखा रहा है। सो 28 किलोमीटर का जो है रेंज ड्रॉप हुआ है उसमें, और इसमें जो है 30 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप हुआ है।
गाइस मैं 1000 किलोमीटर का गाड़ी जो है 1000 किलोमीटर कवर करने के बाद मैं वो एक वीडियो बनाऊंगा मुझे क्या क्या इस स्कूटर में जो है प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और मुझे क्या क्या अच्छे लगे गाइस मुझे जो है टाइम नहीं मिल रहा है सो मैं काम कर रहा था तो मैं वीकेंड्स पर ही वीडियो बना पा रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितना वीडियोज़ है उतना मतलब जितना वीडियोज़ बना सकता हूँ उतना बना रहा हूँ और आगे मैं ज़रूर टाइम निकाल के वीडियोज़ जो है बनाऊँगा शायद इस बार मुझे कहीं पर भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा इस स्कूटर को सो आई थिंक जो है पूरा राइड मोड में ही चला रहे हैं राइड और इको दोनों यूज कर रहे हैं सो वो जल्दी जल्दी निकल जा रहा है और मैं इको में ही चला रहा हूँ पूरा गाइस इस बार जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला क्योंकि सोलो है तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे और हम लोग ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कवर कर चुके हैं इस स्कूटर में जो है मुझे कहीं पर भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आई लॉन्ग राइड के लिए सो आप बिना किसी दिक्कत के मतलब लॉन्ग भी जा सकते हो लेकिन आपको थोड़ा तो रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि मोटर जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा और बैटरी भी गर्म हो जाएगा सो इससे जो रेंज है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है तो गाइज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो देवनाड़ी बाईपास के पास रोकते हैं श्रीनिधि वाइपा करके होटल था वहाँ पर ब्रेकफास्ट किए सो यहाँ पर ट्रिप मीटर जो है ज़ीरो दिखा रहा था मैं सोचा रीसेट हो गया पता गलती से लेकिन ये कुछ बग लगता है फिर हमने चेंज करके देखा तो जो ट्रिप मीटर था वो सही से दिखा रहा था 41.4 किलोमीटर लेकिन हमने कवर किया टोटल 44 किलोमीटर और एथर में और जो चार्ज बचा था 77% और 142 किलोमीटर के रेंज दिखा रहा था सो हमने कवर किया 44 किलोमीटर लेकिन जो रेंज ड्रॉप हुआ है वो 48 किलोमीटर ड्रॉप हुआ है सो चार्ज किलोमीटर का रेंज जो है डिफरेंस दिख रहा था और हम एथर में भी चेक करते हैं उसमें था 30 किलोमीटर का रेंज यानी कि 43 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप हुआ है जो कि बिल्कुल सही है सो गाइज हम ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अभी एथर का चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर जाना है तो अभी मेरा दोस्त जो है चेक कर रहा था कि एथर का ग्रिड खाली है या नहीं तो बता देता हूँ एंड गाइज मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ जो मेन बैटरी है उसमें पूरा 80% ख़त्म होने के बाद बैटरी जो है स्विच हो जाता है जो पोर्टेबल बैटरी है उसे पावर कंज्यूम करने लगता है एंड वो भी 20% आने के बाद जो मेन बैटरी है और पोर्टेबल बैटरी है दोनों से पावर कंज्यूम करता है वो लेकिन वो हमको पता नहीं चलता है कि पोर्टेबल बैटरी से यूज़ हो रहा है या मेन बैटरी से यूज़ हो रहा है बैड आई थिंक अनप्लग द चार्जर एंड केबल तो गाइस ये एथर का जो चार्जिंग ग्रिड है काम नहीं कर रहा तो हमें 5 किलोमीटर और फिर वापस जाना पड़ेगा सो गाइस जो एथर चार्जिंग ग्रिड है हैंगआउट के पास वो काम नहीं कर रहा तो हमें 5 किलोमीटर पीछे जाके चार्ज करना पड़ेगा सामने एक है एक और लेकिन वो 11 बजे शायद खोलेंगे तो इसलिए अभी टाइम हो रहा है 9 बजे अभी 9 भी नहीं बजे है बस 1 मिनट है 9 बजने में तो
इसीलिए 5 किलोमीटर वापस जाके फिर हमको ऐसे ही सीधा जाना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो है हमारा अभी बढ़ गया, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा। और यहाँ से टेंपल है 30 किलोमीटर्स, और आते वक्त फिर हमको यहीं पर आना पड़ेगा गाड़ी को चार्ज करने के लिए। तो हमें यही रास्ता यूज़ करना पड़ेगा। जो मेरे घर से एक और रास्ता है वो 60 किलोमीटर का है। तो देखेंगे जो होगा, पता नहीं, शायद हम घर तक पहुंचेंगे या नहीं पता नहीं स्कूटर में, लेकिन हम सिटी पे पहुंच गए तो हमको शेल का जो है पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो मैं वहां से चार्ज करके घर जा सकता हूं। देखेंगे, अभी भी 127 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। सो गाइस, हम आ गए चार्जिंग स्टेशन के पास। हमारा दोस्त सामने खड़ा है। ये एक्सट्रीम कार्ट्स, सो शायद ये कार्ट रेसिंग का है। देखेंगे अंदर जाकर क्या है। और आपको रेंज दिखा देता हूँ कितना है। 68% चार्ज है और हमने कवर किया 58.8 किलोमीटर। और रेंज दिखा रहा है 122 किलोमीटर। को 60 किलोमीटर ऑन में से। सो टोटल 70 किलोमीटर्स का रेंज ड्रॉप हुआ गाइस। हमने कवर किया है 58.8 किलोमीटर्स। एंड गाइस, हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और रेंज जो बचा था 90 किलोमीटर्स, और जो चार्ज था 49% था। और एक्सट्रीम कार्ड से यहाँ तक 30 किलोमीटर था, और मेरे घर से यहाँ आने तक हुआ टोटल 92 किलोमीटर, लेकिन जो ओडो में है 86.8 किलोमीटर दिखा रहा था। सो 5.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। सो गाइस, हम दर्शन करके निकल चुके हैं मंदिर की तरफ, और हमें जाना है हैंगआउट या एक्सट्रीम कार्ड्स के पास रोकना पड़ेगा। जहाँ पर चार्जर का खाली होगा वहाँ पर रोकना पड़ेगा। सो गाइस, हम व्हाइट से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग रेट आयतर का वो पता नहीं बंद हो गया, इसलिए अब दूसरा जो आयतर का जो चार्जिंग स्टेशन है ग्रिड है वहाँ पर जा रहे हैं। सो वो ग्रिड आके ऑन हुआ है और हमारे स्कूटर में अभी 36% चार्ज बचा और 69 का रेंज निकला है, और हमें कवर करना है 59 किलोमीटर। सो अभी थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा। मैं स्पीड को जो है 50 के अंदर ही रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन हाईवे पे थोड़ा मुश्किल है। एंड गाइस, वीडियो जो है मैं शायद अभी आधे रास्ते तक ही बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे फोन में भी चार्ज नहीं है और पावर बैंक में भी चार्ज नहीं है, तो मुझे वीडियो जो है बंद करना पड़ेगा।
सो मैं अगर कहीं पर चार्ज करूँगा किसी पेट्रोल स्टेशन पे, किसी पेट्रोल पंप या चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज, सो तब मैं वीडियो बना के बताऊँगा कि कितना किलोमीटर हमने कवर किया। सो गाइस, हम सुबह निकले थे करीब 6:45 के आसपास और अब हुआ 1:58, 2 बजे क्योंकि 2:35, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, सो ऑलमोस्ट 8 घंटे हो चुके हैं। इको मोड में चला रहे तो बहुत देर होता है, अगर नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में होंगे तो आपको इससे तो कम ही होगा, लेकिन मेन क्या है, चला तक चार्ज करना पड़ रहा है, यही एक दिक्कत है, नहीं तो हम जल्दी से निकल जाते। और अभी हैंगआउट पे खड़ा है तो ऐसा तो चार्ज हो रहा शायद, और बैटरी जो है 35% और 66 किलोमीटर का रेंज है, और हमने टोटल कवर किया 109 किलोमीटर। एक्चुअली ये सही नहीं बता रहा, जब हम गूगल में देखेंगे तब हमको पता चलेगा। देखेंगे गाइस, हम घर पहुँच पाएंगे या नहीं, तब तक हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और बैटरी और मोटर को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा जब तक ऐसा चार्ज हो जाए। सो गाइस, हम अभी निकल रहे हैं और हमने जो डिसाइड किया है कि अभी शेल के पेट्रोल पंप में चार्ज करेंगे देवनाड़ी के पास, क्योंकि ये जो रेंज है इसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रेंज ड्रॉप हो रहा है। और सामने मतलब मेरे घर के पास जो रूट में शेल कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए हम पहले से ही थोड़ा एक 10% शायद चार्ज कर लेंगे। तो मैं घर के पास जाने के बाद पूरा आपको जो है बैटरी पूरा ड्रेन करके दिखाता हूँ कितना हमको लास्ट में रेंज मिलता है। सो गाइस, मेरा अभी मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, तो मैं वीडियो जो है बंद कर दूँगा। सो देवनाड़ी के पास जाके मैं फिर आपको बताऊँगा कि कितना रेंज ड्रॉप हुआ और कितना हम चार्ज करेंगे। सो देखते हैं। एंड गाइस, हम शेल जो है देवनाड़ी बाईपास के पास वहाँ पर रोकते हैं और हमें खाना भी खाना था, सोचा ऐसे ही स्कूटर को चार्ज पे लगा के खाना खा लेंगे। एंड गाइस, जो हमने टोटल कवर किया अभी तक 131 किलोमीटर है और 57 का रेंज बचा है, एंड बैटरी जो है 30% था। सो यहाँ से हम खाना खाने के लिए निकल जाते हैं स्कूटर को चार्ज पे लगा के एथर पे। सो आप देख सकते हो स्कूटर जो है मेन बैटरी 35% चार्ज हुआ है। सो चार्जर को निकाल के मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। सो आप देख सकते हो जो टोटल जो है 41% दिखा रहा और मेन बैटरी में 35% का चार्ज अभी बाकी है और पोर्टेबल में 59% है। सो टोटल में 11% हमने चार्ज किया है और 21 किलोमीटर्स का रेंज जो है ऐड हुआ है। सो गाइस, मेरे दोस्त ने बोला सिंपल वन को मैं चलाऊंगा, तो हमने एक्सचेंज किया, मैं एथर 450 चला रहा था। सो हम देवनाड़ी से निकलते हैं घर की तरफ। सो गाइस, मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो 450 है, पहला जेन। मैं सोचा था इस गाड़ी का जो स्पीड है टॉप स्पीड इको में 45 है, लेकिन आप देख सकते हो स्क्रीन पे 60 तक जा रहा है। एक्चुअली ये जब डाउन हिल रहता है और फ्लैट रहता है रोड पे तो तभी जाएगा, आपको थ्रॉटल जो है पूरा ओपन करके रखना पड़ेगा। गाइस, मेरे दोस्त ने मेरे स्कूटर पे राइट मोड पे स्विच किया था गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। सो उसको जो है थोड़ा दिक्कत होता है जब राइट मोड में चला रहा होता है, सडनली वो इको मोड को स्विच करता है। स्कूटर का मोटर जो है फोर्सफुली जो इको मोड का स्पीड है उस स्पीड में लाने की कोशिश करता है। तो फिर हम गाड़ी को जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं मेरा गाड़ी चलाता हूँ वो अपना एथर।
सो गाइस मेरे फ़ोन का जो बैटरी है बहुत लो हो चुका था, तो मैं वीडियो को एंड कर लेता हूँ। जब हम घर पहुँचे, हमारे स्कूटर का जो बैटरी परसेंटेज है 16% पे था और 33 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था। गाइस जो टोटल गाड़ी चला 173 किलोमीटर्स है। जब हमने स्कूटर को चार्ज किया था पेट्रोल पंप पे, तब 78 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा था। सो वहाँ से मेरे घर तक 44 किलोमीटर्स है। सो अभी जो बैटरी दिखा रहा है 16% और 33 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। सो 44 किलोमीटर को माइनस करेंगे तो 78 में 34 रहना चाहिए था, लेकिन 1 किलोमीटर कम दिखा रहा है। सो आप देख सकते हो मेन बैटरी में 35% बचा है और 49 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, और पोर्टेबल बैटरी में 42% चार्ज कर दिया और 20 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। एंड गाइस मैंने ट्रिप ए को मैंने घर पे रिसेट किया था और अभी राइड ख़त्म होने के बाद 163 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन हमने जो कवर किया है टोटल 173 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर कम बता रहा है। सो गाइस हमने टोटल 173 किलोमीटर कवर किया और बैटरी को जो है 10% चार्ज किया, सॉरी 11%, और 21 किलोमीटर्स का रेंज ऐड हुआ था। अगर हम उसे माइनस करेंगे, अगर हम उस 21 किलोमीटर को माइनस करेंगे तो 12 किलोमीटर बचता है। सो 173 प्लस 12 किलोमीटर ऐड करेंगे तो 185 होगा, लेकिन हम उस 12 किलोमीटर को 12 किलोमीटर नहीं लेंगे, सिर्फ राउंड फिगर कर देंगे, क्योंकि वो 12 किलोमीटर जो है सही से 12 किलोमीटर नहीं आने वाला है। सो इस गाड़ी से आप 180 किलोमीटर्स का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो सोलो राइड कर रहे हो तो। एंड गाइस मैं बारिश में पूरा भीग गया था, तो मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। इतने में गाड़ी जो है आके ऑन करता हूँ तो ऑन नहीं होता, और जो सेकेंडरी बैटरी है वो पूरा गर्म हो गया होता है। सो बैटरी को मैं निकाल के देखता हूँ क्या पूरा बैटरी हीट हुआ, कितना हीट हुआ। सो ये बैटरी जो है बहुत ज़्यादा हीट हुआ होता है। सो थोड़ा सा डर लगता है गाड़ी को कुछ हो ना जाए, तो मैं इसलिए बाहर ही पार्क कर देता हूँ। एंड गाइस गाड़ी जो है ऑन नहीं होता है, तो मैं इसे रीसेट करता हूँ। सो आपको बता दूँ कैसे रीसेट करता है। की को जो है ऑफ पोजिशन में रखना है, एंड फ्रंट ब्रेक को पकड़ना है, और रिवर्स बटन और जो बीच में पॉज प्ले बटन का है वो उसे पकड़ के रखना पड़ता है 15 सेकेंड के लिए। एंड गाइस 15 सेकेंड होने के बाद मैं की को जो है घुमा देता हूँ ऑन की तरफ। सो गाड़ी जो है ऑन हो जाता है। सो ये अभी बूट हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा। एंड गाइस ये पहली बार भी नहीं, पिछली बार जब बैटरी जो है पूरा लो हो चुका था तब भी ऐसा ही हुआ था, एंड उस टाइम भी रिसेट करने के बाद गाड़ी जो है ऑन हो गया था। एंड गाइस हमारा गाड़ी जो है ऑन हो गया, और आप रेंज जो है देख सकते हो 34 किलोमीटर बता रहा है, और जब हमने देखा था तब 33 किलोमीटर था। एंड गाइस मैंने वीडियो एडिट करते वक्त ये नोटिस किया था कि जो रेंज है मेन बैटरी और पोर्टेबल बैटरी में दिखा रहा था, जो परसेंटेज और रेंज भी दोनों सही नहीं था। जब गाड़ी को मतलब आके पार्क किया था तब जो अभी रेंज और परसेंटेज बता रहा है मेन और पोर्टेबल बैटरी का, वो एक्चुअली सही है। एंड गाइस गाड़ी का जो सेकेंडरी बैटरी है वो गर्म ही था, बहुत देर तक गर्म था। 3 या 4 घंटे जाने के बाद बैटरी जो है थोड़ा सा ठंडा हुआ, और एंड तब जाके स्कूटर को जो है चार्ज पे लगाया। सो यहाँ पर सीन क्या है कि जो मेन बैटरी है उससे चार्ज नहीं ले रहा था जब हम स्कूटर चला रहे थे, पोर्टेबल बैटरी जो है उसी से चार्ज हो रहा था। एंड गाइस मैं बूट में वाटर बॉटल, चार्जर और एक जैकेट रखा था, वो पूरा गर्म हो गए थे। सो इनको पोर्टेबल बैटरी के लिए भी कोई कूलिंग सिस्टम देना चाहिए था, कोई फ़ैन वगैरह, एक्टिव कूलिंग सिस्टम जो है देना चाहिए था। सो गाइस मैंने सिंपल वन स्कूटर का सोलो रेंज टेस्ट जो है करके बता दिया कितना रेंज देता है। एंड गाइस मेरा गाड़ी जो है ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुका है, तो मैं वीडियो बनाऊँगा क्या क्या मुझे स्कूटर में अच्छे लगे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए थे इनको। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करना, एंड अगर आप नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।